हरियाणा चड़प मामले दे विच सिमरजीत सिंह बैंस नूं बीते कल गिरफ्तार किया गया, पर हुण उन्हां नूं जमानत मिल गई है ते उन्हां नूं पुलिस ने बरी कर दिता है। माफ करना, उन्होंने पुलिस ने रिहा कर दिता है। लोक इंसाफ पार्टी के बुलारे ने यह पुष्टि की है। बीते दिन आदम नगर इलाके झड़प तो बाद मामला दर्ज होया सी। धारा 307 के तहत FIR भी दर्ज की गई सी, तो जिस तो बाद सिमरजीत सिंह बैंस की गिरफ्तारी हुई सी। साडे नाल साडे सहयोगी भरत शर्मा जुड़ गए ने। जी भरत, सिमरजीत सिंह बैंस नूं रिहा कर दिता गया है, बीते कल उन्हां दी गिरफ्तारी हुई सी, की कुछ अपडेट है इस पूरे मामले ते? जी बिल्कुल, तुहानू दस दिए कि बीते दिन ही जिहड़ा सिमरजीत सिंह बैंस है 307 दा परचा दर्ज किया जाता है। सिमरजीत सिंह बैंस जिहड़ा लुधियाना कचहरी ते पहुंचते ने, वकीलों नूं संबोधन करदे पहुंचते, उस दौरान जिहड़ा पुलिस वल्लों जिहड़ा उन्हां नूं गिरफ्तार कर दिया जाता है। तुहानू दस दिए कि लुधियाना के थाना PAU में जाकर उन्होंने पूछताछ की गई, तकरीबन 8 से 9 घंटे तक जी पूछताछ की गई, जिस तो बाद जिहड़ा वा सिमरजीत सिंह बैंस नूं रिहा कर दिया गया। तुहानू दस दिए कि इस सारे मामले से जिहड़ा वा सिमरजीत सिंह बैंस वल्लों जिहड़ा कोऑपरेट करन दा भरोसा दिता गया, ते इस तो बाद पुलिस ने जिहड़ा वा उन्होंने रिहा कर दिता। ते जिस ते तुहानू दस्सी पहले जिहड़ा सिमरजीत सिंह बैंस जिहड़े वड्डे भरा ने बलविंदर सिंह बैंस, वह लुधियाना के पुलिस कमिश्नर नूं मिले सी कि उन्होंने इनकुआरी करन दी जिहड़ी है जरूर अर्जी दे दी सी, जिस तो बाद जिहड़ा वा इनकुआरी जरूर की जा रही है, पड़ताल जरूर की जा रही है। पर फिलहाल की जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक ही सिमरजीत सिंह बैंस नूं जिहड़ा वा पुलिस वल्लों 8 से 9 घंटे से पूछताछ तो बाद जिहड़ा वा रिहा कर दिता गया, पर मामले की जिहड़ी है जांच लगातार की जा रही है पुलिस के वल्लों। जी जी शुक्रिया परत साडे नाल जानकारी सांझा करन दे लई। तां दस दईए कि लुधियाणा विखे झड़प मामले नूं लैके बीते कल सिमरजीत सिंह बैंस की गिरफ्तारी हुई, ते बीते कल उन्हां नूं पुलिस दे वल्लों जमानत मिलण तों बाद रिहा कर दिता गया। लुधियाणा विच सियासी खेड अपने चरम ते पहुंच गया। बीती रात ढाबा एरिया विच होए झगड़े दे मामले ने सियासी रंग लै लिया। पुलिस ने इस मामले विच लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान ते सिटिंग विधायक सिमरजीत सिंह बैंस नूं हिरासत विच लै लिया। कोर्ट तो बाहर आउंदे वक्त पुलिस ने उन्हां नूं हिरासत विच लिया। इस दौरान उन्हां नूं थाने लैके जाण लई पुलिस नूं कड़ी मुशक्कत करनी पई। बैंस समर्थकां ने पुलिस की गड्डी नूं घेर के रोकण की कोशिशां कीतीआं। सिमरजीत सिंह बैंस दा इल्जाम है कि सब कुछ पहलां तो ही प्लान सी। उन्हां ने पुलिस ते धारा 307 दे तहत झूठा केस दर्ज करन दा भी इल्जाम लगाया। ता कांग्रेसी उम्मीदवार कमलजीत कड़वल ने पलटवार करदे कहा कि सब कुछ CCTV कैमरे विच कैद है। एक प्री प्लैंड तरीके दे नाल छत दे उत्ते कोल्ड ड्रिंक दी बोतलां राहुल दर्जना डाले इट्टां वट्टे इकट्ठे कीते जाण ते उत्थे फायरिंग कीती जावे साडे वर्करां नूं डराउण वास्ते, ते रात नूं पुलिस कांग्रेसियां दे आखे लग के साडी पार्टी दे वर्करां दे उत्ते कौंसलरां दे उत्ते जाके धाड़ां बण बण कंधां टप टप के उन्हां दीआं कुंडे कुंडियां पट्टे दरवाजिआं दीआं इह कदे वी बर्दाश्त नहीं गा। मैं CP साहब नूं कह के आया सी अद्धा घंटा पहलां भी, या तो तुसी कुर्सी छड़ दिओ जां मैं छड़ दूंगा। जिहड़े बंदिआं दा तुसी नाम मुकदमे च पाया, बंदा कोई मंडी अहमदगढ़ बैठा, कोई ढोलेवाल बैठा, कोई किते बैठा, बनी बनाई लिस्ट आई, तुसी नाम छाप के मुकदमा देता। जिहड़े कोठे तों इट्टां आईआं ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਗੁੜ ਭੰਨਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਣ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਾਲ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਫਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਬ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਇਆ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸੱਚਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟੰਗਾ ਤੇ ਭਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ?
दस दिए कि सिमरजीत सिंह बैंस नू जबर जनाह मामले विच भी बीते दिनी सुप्रीम कोर्ट तो राहत मिली है। ते इस विच एक होर मामले विच नाम आना ते पुलिस दी कारवाई होना उना दी मुश्किल वधा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।